हेलो दोस्तों, छड़ी मूड में आपका स्वागत है। बिहार सब इंस्पेक्टर 2019, बिहार दरोगा 2019 का यह Q18 का पहला क्वेश्चन है कि जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। जो जोग जलप्रपात है ये सरावती नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? सरावती नदी पर स्थित है। ठीक, ये है कि जलप्रपात है जो नर्मदा और ताप्ती नदी दो ऐसी नदी है जो कि पश्चिम की तरह बहती है और अरब सागर में जाकर गिरती है। ठीक, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गोदावरी है, इसलिए इसे दक्षिणी गंगा बोला जाता है, दक्षिणी गंगा। लेकिन दक्षिण का गंगा किसे बोला जाता है? तो कावेरी को बोला जाता है, क्योंकि उसमें सालों भर पानी रहता है, जैसे गंगा नदी में सालों भर पानी रहता है। ठीक, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? सरावती होगा। जो इससे रिलेटेड नोट्स होता है मैं नीचे शेयर कर देता हूँ, टेलीग्राम दे दूंगा लिंक, वहाँ से आप जरूर आ जाइएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जितना भी दरोगा से रिलेटेड नोट्स है मैं वहीं पर शेयर करूँगा कल से। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि डेथ वैली किस देश में स्थित है। जो डेथ वैली है ये किस देश में स्थित है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। तो दूसरे के आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डेथ वैली है एक डिजर्ट वैली लोकेटेड इन द ईस्टर्न कैलिफोर्निया USA में है। ठीक, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये दूसरे के आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी Washington DC है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में से कौन सी समुद्र संधि अफ्रीका से एशिया को अलग करती है। इसमें से कौन सी ऐसे समुद्र संधि है जो कि एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग किया जाता है। ठीक, एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जनसंख्या के दृष्टि से भी और क्षेत्रफल के दृष्टि से भी। और इसको जो अलग करता है ये बाल अप मंदेप जो है जल संधि, इसको अफ्रीका और एशिया को अलग करता है। तो तीसरे के आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाब एल मंदेप सेपरेट एशिया फ्रॉम अफ्रीका एट एडन। एडन का जैसे देखिएगा वहाँ पर यमन लोकेटेड है, अरबियन वाला भाग में, तो वहाँ पर ही है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना निम्नलिखित में किसने की थी। जो अभिनव भारत संस्था है इसकी स्थापना निम्नलिखित में कौन किया था, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये किया था विनायक दामोदर सावरकर जी ने, अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किए थे। ठीक, तो 4 के आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और बाल गंगाधर तिलक जो है, जैसे कि गणेश चतुर्थी त्यौहार मनाया जाता है, चौथ त्यौहार, या आप देख सकते हैं कि गणपति पूजा मनाया जाता है जो उसे, और एक मनाया जाता है मराठा जी का पूजा, शिवाजी महोत्सव, यह जो शुरू किया गया था ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा ही किया गया था। बाल गंगाधर तिलक का एक प्रमुख नारा भी है कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, ये बाल गंगाधर तिलक ने ही कहा था। और बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट मिलकर होम रूल लीग की स्थापना भी हुआ था 1916 में, इनके द्वारा ही किया गया था। तो 4 के आंसर क्या हो जाएगा कि अभिनव जो भारत संस्था है इसकी स्थापना कौन किए थे? विनायक दामोदर सावरकर जी ने किए थे। 4 के आंसर तो सी हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभिनव भारत सोसाइटी नॉन यंग इंडियन सोसाइटी वाज अ सीक्रेट सोसाइटी फाउंडेड बाय विनय दामोदर सावरकर, ठीक, और इनके भाई गणेश दामोदर सावरकर 1903 में ये दोनों मिलकर किए थे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा किसके द्वारा सीमांकन किया गया है। जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा है ये किसके द्वारा, तो ये 1947 में रेडक्लिफ साफ आए थे वहीं किए थे। भारत के दो सीमा बनाए गए थे, दो जगह, एक पूरब में भी और पश्चिम में भी। पूरब में जो बनाया गया था आज वो बांग्लादेश है, जो कि पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1971 का जो युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान में उसमें ये अलग हो गया पाकिस्तान से और ये अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, जिसकी राजधानी ढाका है। और यहाँ पर आप पाकिस्तान पूर्ण रूप से है, ठीक, और इसी के बीच में पाया जाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच में सर रेडक्लिफ रेखा पाया जाता है। ठीक, सर सीरियल रेडक्लिफ रेखा पाया जाता है। तो 5 के आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये हो जाएगा बी, 5 के आंसर बी हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि बाउंड्री बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया वाज सर्किल रेडक्लिफ है, ये जो बनाया गया था 1947 में। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान से हटाया जा चुका है। इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान से हटाया जा चुका है, ये प्रीवियस ईयर का आपका क्वेश्चन भी है। ठीक, तीसमें से दे रहा है स्वतंत्रता का अधिकार, भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और समानता का अधिकार। तो इसमें से जो संपत्ति का अधिकार है, 6 के आंसर सी हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार ये आर्टिकल से हटाया जा चुका है। फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल है 12 से लेके 35 तक भारतीय संविधान के भाग 3 में है, और ये कहाँ से लिया गया है? तो USA के संविधान से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जो कि अभी 6 प्रकार का मौलिक अधिकार बच गया है। पहले 7 प्रकार का मौलिक अधिकार थे, लेकिन जो 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, ये आर्टिकल 300A में अब रख दिया गया, इसे लीगल राइट बना दिया गया। ठीक, आर्टिकल 300A में रख दिया गया है और यही हटा दिया गया है। ठीक, ये कब हटाया गया, कौन से संविधान संशोधन द्वारा, ये सब क्वेश्चन बन जाता है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया है, कब? 1978 में। ठीक, मोरारजी देसाई की सरकार थी उस समय।
तो 4 के आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार, जो हमारा ये लिया गया है फंडामेंटल राइट, ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। और इसमें जो जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 19 से लेकर 21 तक दिया हुआ है। क्षमता का जो अधिकार है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक दिया हुआ है। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है आर्टिकल 23 और 24, 24 आर्टिकल जरूर याद रखिएगा, 24 आर्टिकल में है कि बाल श्रम जो कि, और 23 आर्टिकल में है बालत श्रम। बालत श्रम और बाल श्रम में डिफरेंट होता है। देखिए बाल श्रम होता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कोई भी कारखाना में काम करवाना, ये जुर्म मतलब कि ये होगा, दंडनीय अपराध होगा। लेकिन ये 23 जो है ये आर्टिकल क्या बताए, बालत श्रम। बालत श्रम में बंधुआ मजदूर के बारे में आप जानते होंगे, जैसे बलपूर्वक अगर काम कराते हैं पैसा नहीं देते हैं, ठीक वही बालत श्रम कराता है। तो इससे ये परहेज के बारे में बात करता है, ऐसे क्वेश्चन बन जाता है, डिफरेंट भी पूछ सकता है। और बाकी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक दिया है, फिर अल्पसंख्यकों का जो देता है 29-30 देता है, और आर्टिकल 32 एक संविधान का आत्मा भी बोला जाता है, ये जरूर याद रखिएगा। ये है संविधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके अंतर्गत 5 रीट जारी किया जाता है। रीट से एक क्वेश्चन जरूर बनता है 5 रीट से कि इस रीट का क्या क्या काम है। तो ये अब मैं जो अगला क्वेश्चन बनाऊंगा, ये या 100 क्वेश्चन का जब सेट आपसे कल से शुरू करा दूंगा आपको कराने, तो उसमें जरूर ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक। तो 6 के आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कल से आपको फुल सेट मिलेगा 100 क्वेश्चन का, कल से आप तैयार रहिएगा 100 क्वेश्चन का फुल सेट करने के लिए, डेली आपको 100 क्वेश्चन का फुल सेट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए कि भारत के किसी राज्य के मुख्यमंत्री को निम्नलिखित में से कौन से नियुक्त करता है। जो भारत के किसी राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं उसकी नियुक्ति वहाँ के राज्यपाल करते हैं, तो कौन करता है, राज्यपाल करते हैं। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। 7 के आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फागु चौहान जो है अभी यहाँ के फागु जी यहाँ के बिहार के राज्यपाल है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है। संघ लोक सेवा आयोग नियंत्रक और महालेखा परीक्षक आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी भी नियुक्ति करते हैं, ये सभी के नियुक्ति करते हैं जो कि मुख्य संवैधानिक संस्था है, ठीक। ये कौन, तो भारत के राष्ट्रपति, ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति, कायोग के भी अध्यक्ष के, चुनाव आयोग के भी अध्यक्ष के, ऐसे कर जो है होते हैं इनके राष्ट्रपति द्वारा ये किया जाता है, ठीक। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु आपको 35 वर्ष चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए। अभी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी है, बात को ध्यान में रखिएगा। 8 के आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखिए इस ये जो यूपीएससी है ये किस आर्टिकल के तहत करते हैं, तो ये आर्टिकल 16 में मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में कौन से पॉलीमर का इस्तेमाल बुलेट प्रूफ सामग्री बनाने के लिए किया जाता है। इसमें से कौन से पॉलीमर है जो को बुलेट प्रूफ सामग्री बनाने में किया जाता है, जैकेट हुआ, बुलेट प्रूफ या और भी सामान, तो ये पॉली एथिलीन जो है इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बुलेट प्रूफ जो जैकेट बनाने में उपयोग किया जाता है, पॉली एथिलीन का उपयोग किया जाता है, एक ये पॉलीमर है एथिलीन का एक, ठीक। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। 9 के आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक डायनोमो बदलता है, एक डायनोमो, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एक डायनोमो किसमें किस एनर्जी को बदल देता है। तो ये जो डायनोमो होता है ये यांत्रिक ऊर्जा, जैसे कि पानी उन्हें ऊपर से गिरता है या पानी रोक कर डायनोमो चलाया जाता है, ठीक, 10th के फिजिक्स में आप पढ़े होंगे। तो ये जो रुका हुआ होता है उसमें यांत्रिक ऊर्जा होता है, ठीक है, और उसे ही वो विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ठीक। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऐसे टर्बाइन लगाया होता है, ऐसे ऐसे घुमाता है और ये एनर्जी में बदल जाता है विद्युत ऊर्जा में। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर देख सकते हैं डायनोमो अटैचिंग टू बिटवीन द टू टायर्स के बीच अटैच रहता है और मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि हरे फल को पकाने के लिए कृत्रिम गैस का इस्तेमाल किया जाता है। जो हरा फल होता है उसे पकाने के लिए जो कृत्रिम गैस का उपयोग किया जाता है उसका नाम क्या है, ये पूछ रहा है, इसका नाम क्या है। यहाँ पर आप देखिए नोट्स में मैं दे रहा हूँ, एस्टिलीन गैस, जो जिसे कार्बाइड बोल रहे थे। एस्टिलीन गैस क्या होता है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है, ये गैस है और इसे फलों को पकाने वाला एजेंट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राकृतिक रूप से ये, तो कृत्रिम रूप से भी, और यहाँ पर देख लीजिए ये दिया हुआ है, ये देखिए एथिलीन जो है, एथिलीन को प्राकृतिक रूप से पकाने वाला एजेंट कहा जाता है, लेकिन इसको जो एसिटिलीन है इसे कृत्रिम रूप से मैंने कि मानव द्वारा, प्राकृतिक रूप मैंने कि नेचर द्वारा बनाया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हरे फलों को पकाने के लिए कृत्रिम रूप से किसका, तो एसिटिलीन का किया जाता है, और इथिलीन का किसके के साथ किया जाता है, तो यहीं पर आपको दे देता प्राकृतिक, तो आप इथिलीन हो जाते हैं, यहाँ पर आंसर लगाते थे। 11 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लिए कि किस राज्य का राजमार्ग शेरशाह सूरी मार्ग कहते हैं। किस जो राष्ट्रीय राजमार्ग है शेरशाह सूरी राजमार्ग के, या ग्रांड टोक रोड के नाम से भी, यहाँ पर शेरशाह सूरी मार्ग जो कहलाता है ये राष्ट्रीय राजमार्ग मन संख्या कहलाता है, ठीक। हमारा सबसे लंबा जो हाईवे है अब NH 44 हो चुका है, इस बात को ध्यान में रखिए, पहले 7 था, 7, अब NH 44 हो चुका है और 47 ए सबसे छोटा हाईवे है। तो 12 के आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 हो जाएगा, जो कि शेरशाह सूरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आप देखिए इससे रिलेटेड जो भी है नोट्स,
यह भारत के एक राष्ट्रीय राजमार्ग है जो कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से भारत पाकिस्तान के सीमा पंजाब के उत्तरी कस्बे से जोड़ता है। यह ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक सड़क का एक अंश है जो कि बंगाल से काबुल तक प्रसारित हुआ। ये बंगाल से लेकर काबुल तक हुआ था, लेकिन ये जो वाला कहलाता है छोटा वाला, ये शेरशाह सूरी मार्ग कहलाता है, ठीक। और जिसे अति प्राचीन से ही प्राचीन सड़क जो निर्माण किए थे, ये सड़क निर्माता में शेरशाह सूरी का नाम बहुत बड़ा आता है। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत के रक्षा मंत्री कौन है। अभी जो भारत के रक्षा मंत्री, ये बताना है कि भारत के रक्षा मंत्री जो है अभी राजनाथ सिंह जी हैं, गृह मंत्री जो हैं वो अमित शाह जी हैं, ये भी याद रखिएगा। मनोहर पारिकर जी थे पहले गोवा के मुख्यमंत्री, लेकिन इनका देहांत हो चुका है। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा, और ये बी हो जाएगा, ठीक। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।